आज की वीडियो का श्रेय जाता है विल्सन जी के इस कमेंट को। इन्होंने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लाइफ टाइम सेवर प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी SBI लाइफ के स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इससे आपका समय भी बचेगा। अब आप लोग जानते हैं कि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव प्रश्नों के अनुसार निरंतर, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्लान की। यह प्लान एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्लान है ये। यानी कि प्लान के अंदर जो मुख्य रूप से जो बेनिफिट होते हैं, जो हमें सीधे तौर पर बताए जाते हैं, जिनके बारे में हम सीधे तौर पर जानते हैं या जानना चाहते हैं, जैसे कि मैच्योरिटी बेनिफिट, वो हमें गारंटेड रूप से मिलना है, राइट। वो प्लान लेते वक्त हमें पता ही होता है। फिर बात आती है डेथ बेनिफिट की, क्योंकि ये प्लान सेविंग प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो डेथ बेनिफिट हमें गारंटेड रूप से पहले ही पता होता है। अब बात आते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे आप बेनिफिट की, वो आगे बताएंगे। उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। अगर आप स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्लान को लेना चाहते हैं तो 3 साल से लेकर 60 साल तक की आयु की लिमिट है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट 75 साल का है। बात आती है पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अगर आप 12 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का लिमिट मिलता है। 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो कम से कम 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलेगा। यही दो ऑप्शन इस प्लान में उपलब्ध हैं। बात आती है सालाना बेसिक प्रीमियम के लिमिट की, तो वो 50,000 रुपए का है। और इसी के साथ में बेसिक सम अश्योर्ड की बात करें, बेसिक सम अश्योर्ड इसमें आपको मैच्योरिटी पे मिलता ही है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। BSA का मतलब है बेसिक सम अश्योर्ड इज इक्वल टू मैच्योरिटी फैक्टर का गुणा करेंगे हम प्रीमियम पेमेंट टर्म में सालाना बेसिक प्रीमियम का गुणा करके। मान लो उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है, 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, तो 105% यहाँ पे मैच्योरिटी फैक्टर होगा, यानी कि जो परसेंटेज लिखी हुई है ये मैच्योरिटी फैक्टर है, ओके। अब बात आती है बेनिफिट की, तो सबसे पहला बेनिफिट आपको इसमें मिलता है गारंटेड एडिशन, जो कि हर साल के अंत में आपको मिलेगा। अगर आपका सालाना बेसिक प्रीमियम 1,00,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में गारंटेड एडिशन रेट जो अप्लाई होगा आपके प्रीमियम पे, वो 5.25% का अप्लाई होगा हर साल। लेकिन आपका प्रीमियम अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा है या 1,00,000 रुपए का है, तो 5.75% की दर से आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। और जो गारंटेड एडिशन का जो रेट है, ये कम्युलेटिव प्रीमियम पे अप्लाई होगा, यानी कि जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करते जाएंगे, आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, तो आपका गारंटेड एडिशन का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में जितना भी गारंटेड एडिशन इकट्ठा होगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, वो आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी पर, पॉलिसी बंद हो जाएगी। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन जितना भी इकट्ठा होगा, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी, राइट। बात आती है सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या, तो जो हमारा एन्युलाइज्ड प्रीमियम है, AP का मतलब है एन्युलाइज्ड प्रीमियम, उसमें हम 10 का गुणा करेंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे, जितना भी बेसिक एन्युलाइज्ड प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ तक पे किया गया उसका 105% निकाल के, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, राइट। अब बात आती है यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम SBI लाइफ के स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्लान के बेनिफिट को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, जिनकी आयु 30 साल की है, हेल्दी व्यक्ति हैं वो, 12 साल का पॉलिसी टर्म, 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम वो पे कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं, यानी कि लाइफ कवर, वो सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि 5,00,000 रुपए का अमाउंट, राइट। तो जो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं उसके अनुसार जो गारंटेड एडिशन फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होगा, वो 5.25% का अप्लाई होगा और मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर अप्लाई होगा 105%, राइट। अब ये जो गारंटेड एडिशन है, इसे हम ईयरली गारंटेड एडिशन भी कहते हैं, तो हमें अब क्या जानना होगा, अक्योर्ड गारंटेड ईयरली एडिशन, ये कब मिलता है, पॉलिसी के अंत में, हर साल जो पॉलिसी ईयर होगा उसके अंत में। 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, उसका 5.25% हमें मिल गया पहले साल के अंत में, 2,625 रुपए। दूसरे साल तक हमने 50,000 रुपए का प्रीमियम और पे किया होगा, तो यानी कि टोटल पेड प्रीमियम हो गया 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए का 5.25% निकाला, 5,250 रुपए हो गया। तीसरे साल पे प्रीमियम पे किया तो 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, 1.5 लाख का यहाँ पे 5.25% आप निकालेंगे तो 7,875 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन की जा रही है। जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गारंटेड
एडिशन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। 14 साल पे इस तरीके से 10,500 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके के जब प्रीमियम पे कैलकुलेशन की जाते हैं उसे ही हम कम्युलेटिव प्रीमियम भी कहते हैं। ओके, पांचवा साल आते आते 2,50,000 रुपए का प्रीमियम पे हो जाएगा। उसका 5.25% निकालेंगे तो 13,125 रुपए का अमाउंट होगा। 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 6 साल में प्रीमियम पे करने के बाद 6 साल के अंत में 3 लाख का प्रीमियम बैठेगा। 6 साल के अंत तक 3,00,000 रुपए का प्रीमियम पे कर चुके होंगे, उसका 5.25% निकालेंगे तो 15,750 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। पीटी का मतलब है पॉलिसी टर्म। अब पॉलिसी टर्म है 12 साल का। अब जो गारंटीड एडिशन है आपको पूरे 12 साल मिलता है, लेकिन 6 साल प्रीमियम पे कर लिया उसके बाद नहीं पे किया, तब यहाँ पे क्या होगा कि जो आगे के 6 साल बचे हैं पॉलिसी के 7वें साल के अंत से लेके 12वें साल तक अंत तक, वहाँ पे हमें हर साल 15,750 रुपए का ही गारंटीड एडिशन मिलता रहेगा। उसमें 6 का गुणा कर देंगे हम तो 94,500 रुपए का अमाउंट हो गया। अब हम ये सारा अमाउंट यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करके इनको जोड़ दें तो हमारा अक्योर्ड गारंटेड ईयरली एडिशन का जो अमाउंट है वो 1,49,625 रुपए का अमाउंट हो जाता है। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की, तो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन के साथ में बेसिक सम अजॉर्ड मिलता है। आयु हमारी 30 साल की है, यानी कि 18 से 40 वाले कॉलम के बीच में 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 105% हो गया हमारा मेच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर। तो 50,000 रुपए हम सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 50,000 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो 3,00,000 रुपए हो गया। 3,00,000 का आप 105% निकाल लेंगे तो 3,15,000 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेच्योरिटी बेनिफिट के लिए, जो 3,15,000 का अमाउंट है इसमें हम 1,49,625 रुपए जोड़ देंगे जो कि हमारा अक्योर्ड गारंटीड एडिशन है। तो मेच्योरिटी बेनिफिट 4,64,625 रुपए का यहाँ पे मिल जाएगा श्रीमान जी को और पॉलिसी बंद हो जाएगी, राइट। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो मान लेते हैं कि जो बीमा धारक हैं श्रीमान है उनकी मृत्यु 6 साल प्रीमियम पे करने के बाद में हो गई, तो ऐसे में जो अक्योर्ड गारंटेड ईयरली एडिशन का अमाउंट होगा वो 55,125 रुपए का होगा, राइट। कैसे निकालना है वो ऑलरेडी अभी आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सम मच्योर्ड ऑन डेथ। सालाना प्रीमियम का हम 10 गुना निकालेंगे, 5,00,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, और 6 साल में 3,00,000 रुपए का प्रीमियम पे किया उसका आप 105% निकाल लेंगे तो 3,15,000 हो जाएगा। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 5,00,000 का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है तो सम मच्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा यहाँ पे 5,00,000 रुपए का। तो अब यहाँ पे इनके नॉमिनी को यानी कि श्रीमान जी के नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा वो होगा 3,15,000 नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि सम अजॉर्ड ऑन डेथ यहाँ पे 5,00,000 रुपए का है। तो 5,00,000 में हम 55,125 रुपए को जोड़ देंगे तो 5,55,125 रुपए का डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम अगले भाग में समझेंगे कि अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट क्या होंगे, सरेंडर वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे अगले भाग में समझेंगे। आपने आज का वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब देखिए भाग में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, इजिली आपको चीजें समझ में आ जाएं, क्योंकि हर कोई सरेंडर वैल्यू या पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में नहीं जानना चाहता, मेच्योरिटी डेथ बेनिफिट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो इस वजह से 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब एक चीज आपको खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और पॉलिसी कितनी भी अच्छी लगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना हम पॉलिसी नहीं लेते। अपना ध्यान रखिएगा।